हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 8। और स्टैंडर्ड 8 के बारे में और चैप्टर था हमारा 12th, और वर्कबुक के हम क्वेश्चन करवा रहे थे। स्टैंडर्ड 8 है, वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन करवा रहे थे और हमारा चैप्टर था 12। ओके, तो चैप्टर 12 के हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे इवेल्यूट, वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? तो वहीं से हम आज शुरू करेंगे। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत हो करे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, चलो अब यहाँ पर इवेल्यूट हम देख लेते हैं। इवेल्यूट आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है। तो आपको लास्ट टाइम भी कहा था, इस टाइम भी कह रहा हूँ, सबसे पहले तो डिग्री है, तो डिग्री का जो भी एड्रेस होता है वो डिग्री का ही हमें सबसे पहले एडजस्ट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो डिग्री कितनी है स्टूडेंट, 5:3:4 है। रेडी? और सभी जगह पहले तो डिग्री एडजस्ट कर लेनी है। डिग्री एडजस्ट करोगे तो बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर? रेडी स्टूडेंट? देख सकते हो आप लोग, 3:4:12 डिग्री, और डिग्री का मल्टीप्लाई, डिग्री का ऊपर डिग्री है इसलिए मल्टीप्लाई 3:4:12। यहाँ पर डिग्री के ऊपर भी डिग्री है, 6:2:12 ईयर, 3:8:24, बट ये नेगेटिव है, -24। आपको सब पता है सभी का बेस कितना है स्टूडेंट, सेम है। तो एक बार लिखना पड़ेगा, ऊपर जो भी डिग्री है, जो भी डिग्री है ऊपर बेस सभी का कैसा है, सेम। तो इसने बार इसमें एक बार लिखा, और जो भी यहाँ पर डिग्री है उसका एडिशन बन रहा है 12 एज इट इज़। यहाँ पर 12 भी पॉजिटिव, यहाँ 24 पॉजिटिव, ये 12 पॉजिटिव, ये भी 12 पॉजिटिव, 12 12 24, और यहाँ -24, यहाँ प्लस पॉजिटिव 24, -24 कट हो जाएगा और रहेगा 5:0। और आपको पता है किसी पर डिग्री का आंसर, किसी का डिग्री भी जीरो हो तो उसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, 1। तो इसका आंसर फर्स्ट इवेल्यूट का क्या रहेगा स्टूडेंट, 1। डाउट है इसमें किसी को कुछ, देख लो आप अच्छी तरीके से, अगर डाउट है तो बोल देना। ओके, चलो अब देखेंगे हम सेकंड इवेल्यूट। रेडी स्टूडेंट? देख सकते हो 2:-3 मल्टीप्लाई 1/2:-2:5 मल्टीप्लाई 8:-3। इस तरीके इसको किससे सिंप्लीफाई करेंगे, 2:-3 मल्टीप्लाई, ये 5 डिग्री है सबको देना है, इसको भी दो तो 1:5, और 2:5 ये इसको भी दो तो इसके डिग्री के ऊपर डिग्री हो जाएंगे ऑलरेडी, इसको 2:-2 डिग्री तो है, और एक डिग्री आ जाएगी, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल डिग्री हो जाएगी, यानी कि डिग्री के ऊपर भी डिग्री हो जाएगी, और 8:-3। रेडी? तो पहले अभी डिग्री एडजस्ट करो, 2:-3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1:5 एज इट इज़, 1:5 यानी आंसर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2:-3 है। रेडी स्टूडेंट? 2:-10 है, अगर डिग्री पॉजिटिव करनी है, अगर ये डिग्री पॉजिटिव, 2:5 = 10, जैसे 10 2:-10 और 8:-3। रेडी? यहाँ पर एज इट इज स्टूडेंट, यहाँ पर 1:5 यानी आंसर 1, ये 2:-10 है। अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इस डिवाइड में है तो ऊपर ले आया, मैं उसको ऊपर ले आया तो नेगेटिव थी, तो अब कैसे हो जाएगी स्टूडेंट, आप देख सकते हो पहले नेगेटिव थी, अब मैंने ऊपर ले आया तो कन्वर्ट होगी, इसमें हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, 1:2:10 यानी 2:10, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर एज इट इज रहेगा। क्लियर? 8:-3। और सभी का अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बेस सेम करना है, अगर सभी का बेस सेम करना है तो 2:-3 मल्टीप्लाई 2:10, और 8 है, 8 को 2 के कन्वर्ट करता हूँ तो इसलिए 2 × 2 × 2 करो, 2×2 = 4, 4×2 = 8, तो ये हो जाएगा ना। अरे बच्चे ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी का बेस सेम हो जाए इसलिए। 8 को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया हमने, 2×2×2 यानी 2×2 = 4, 4×2 = 8:-3। क्लियर? हियर 2:-3 मल्टीप्लाई 2:10, ये डिग्री सभी को पर्सनल यानी कि सेपरेट दे देता हूँ, 2:-3 इसको दिया, इसको -3 डिग्री दी, मैंने यहाँ पर भी दी, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। रेडी? क्लियर? तो चलो 2:-3 यहाँ 2:10 यहाँ 2:-3 2:-3 और 2:-3 सभी का बेस कैसा है स्टूडेंट, 2 2 2 यानी कि सभी का बेस कैसा है, सेम है, सभी का बेस सेम होता है, यानी एक बार लिखना है, यहाँ पर 2 हमने एक बार लिखा है, जो भी डिग्री है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बनता है वो हमें करना है, यहाँ पर -3 यहाँ पर +10 यहाँ पर -3 यहाँ पर भी -3 और -3, देख सकते हो -3 + 10 यहाँ ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 10 में से 3 जाएगा तो 7 पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, -3 as it is -3 as it is -3 as it is। रेडी? तो 2:7
3, 3, 6, 6, 3 and 9 रेडी तो 2 raised to 7 था माइनस 9 2 raised to 7 माइनस 2 raised to -2 बनता है क्योंकि ऑपोजिट साइन है सब्सट्रैक्शन बीट डिजिट से नेगेटिव से 2 raised to -2 अगर 2 raised to -2 है इसको नेगेटिव में से कन्वर्ट पॉजिटिव में करना है तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करोगे तो ये डिनोमेटर न्यूमिनेटर में तो डिनोमेटर में ले आओगे तो आपको ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता होगा तो 1/2 करूँ 1/2 करता हूँ तो ये नेगेटिव में है तो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव में रेडी तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 रेडी क्लियर आगे बात समझ में देख सकते हो आप ये पूरा निबड़ गया फिर भी आप में आपको किसी इसमें दिक्कत हो क्वेरी हो डाउट हो तो वो पूछ सकते हो ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारा 8 raised to -2 मल्टीप्लाई 3 raised to 4 डिवाइडेड 27 raised to square सबसे पहले इसको क्या करना है स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेना ओके इसको सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं तो इसको 2 raised to 2 raised to 2 यहाँ पर 8 को इस तरह सिंप्लीफाई और 12 को 2 multiply 2 multiply 3 raised to 4 इस तरीके से सिंप्लीफाई ये डिवाइड में इसलिए डिवाइड में पर यहाँ पर लास्ट डिजिट है इस पूरे यूनिट का लास्ट डिजिट है वो 7 है यानी कि ऑड नंबर है ऑड नंबर का डिवाइड ऑड नंबर से होता है 3 multiply 3 multiply 3 इसलिए इसका सिंप्लीफाई होगा 27 raised to square ओके 3 multiply 3 9 9 multiply 3 27 अब सभी को ये डिग्री है इसको भी सभी को दे देता हूँ सेपरेट देख सकते हो आप लोग ये हुआ यहाँ पर भी डिग्री सभी को सेपरेट दे दी 4 degree है तो इसको भी दे दी इसको भी क्लियर और अब यहाँ पर एक स्क्वायर भी सभी को दे दिया क्लियर डिवाइड की साइन एज इट इज अब देखो यहाँ पर ऊपर जो भी है उसका जो भी सिंप्लीफाई बनता है यानी कि जितनी डिग्री सेम है यानी कि जितने का बेस सेम है उसकी एक बार लिख लिया मैंने 2 इसकी ये 1, 2, 3, 4 और 5 degree यानी कि टोटल 5 digit ऐसे है जिसकी बेस सेम है तो -2 -2 -2 +4 और +4 यहाँ +4 +4 करोगे तो 16 आएगा सॉरी +4 +4 करो तो 8 आएगा और -2 -2 -2 करोगे यानी -6 आएगा रेडी ये +8 -6 यानी 2 बन जाएगा ये 3 raised to 4 डिवाइडेड बाई ये 2 2 2 सभी की डिग्री सेम है इसलिए यहाँ पर भी हम करेंगे तो 6 हो जाएगा तो ये डिवाइड में 6 है ना अगर इसको इसको मल्टीप्लाई में मिले लिखना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखो 3 raised to 4 मल्टीप्लाई में था 3 raised to 6 अगर डिवाइड में है तो नीचे लिखना पड़ेगा ना ये डिवाइड में है तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3 raised to 4 था यहाँ पर 3 raised to 4 था है ना 3 raised to 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to 6 तो अगर मैं उसे नीचे से ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि डिवाइड में है तो नीचे लिखना पड़ेगा ना 3 raised to 6 इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट बेस दोनों का सेम है इसलिए ऊपर ले जाता हूँ तो ये डिग्री है वो माइनस हो जाएगी अंडरस्टूड ये डिग्री है जो माइनस हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी तो सेम बेस है इसलिए एक बार लिखना पड़ेगा और डिग्री 4 - 6 और -2 बचेगी रेडी यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा 3 raised to -2 यानी डिग्री रेसिप्रोकल करने पड़ेगी नेगेटिव डिग्री हम नहीं चलाता तो 1/3 raised to square और यहाँ पर 4 3 raised to square यानी 9 यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 4 multiply 1/9 4 1 = 4/9 और 5 आंसर क्लियर होगी बात समझ में इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो चलो स्टूडेंट अब हमारा 7th question हमें सिंप्लीफाई करना है ऑन पेज नंबर 106 पर क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो क्वेश्चन इस तरीके से a raised to 6 multiply 3 इसको सिंप्लीफिकेशन करना है ओके तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया गया हुआ स्टूडेंट तो सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि हमें डिग्री का एडजस्ट करना पड़ेगा डिग्री के ऊपर डिग्री है तो इन दोनों डिग्री का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई 8 raised to 18 8 2 = 16 और 3 4 = -12 -3 है इसलिए रेडी सेम कंडीशन डिनोमेटर में होता है 5 multiply 2 यानी 10 5 multiply 2 यानी कि 10 देन ये फर्स्ट सिंप्लीफाई कंप्लीट हो गया देन और नेक्स्ट a raised to 18 a raised to 16 a raised to 10 आप देख सकते हो यहाँ पर सभी का बेस a है तो आप सभी का बेस सेम है इसलिए एक बार a लिख लिया मैंने जो भी डिग्री है उसका जो भी सिंप्लीफाई बनता है उसका करना यहाँ 80 पॉजिटिव 60 ऑल्सो पॉजिटिव और 12 नेगेटिव 18 + 60 यानी 34 हो जाएगा स्टूडेंट 34 - 12
अपॉन बेस में भी ऐसा है, जो इसका डिनोमिनेटर भी ऐसा है, दोनों डिनोमिनेटर का बेस सेम है, इसलिए मैंने एक बार लिख लिया। दोनों की डिग्री का एडिशन कर देना है, यहाँ पर 10 प्लस 10 यानी कि ए अपॉन 20 हो जाएगी। क्लियर हो गए स्टूडेंट ये बात? चलो देखो, यहाँ पर 34 माइनस 12 यानी 22 बनेगा, 34 में से 12 निकल जाएगा, तो 22 ऑलरेडी ए रेस टू 20 था। अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे, यानी कि ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव डिग्री है, कैसे हो जाएगी नेगेटिव, और दोनों का बेस कैसा है, ए रेस टू 20, ए रेस टू माइनस 22, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर ले जाओगे, और पॉजिटिव है ऊपर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। रेडी, दोनों का बेस सेम है, इसलिए एक बार लिखा हमने। और यहाँ पर 22 कैसा है स्टूडेंट, पॉजिटिव, और 20 कैसा है, सॉरी 22 है पॉजिटिव और यहाँ पर 20 है वो नेगेटिव है, 20 नेगेटिव है, तो दोनों का एडिशन 22 पॉजिटिव 20 नेगेटिव, यानी 22 में से 10 जाएगा तो 2 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव 22 पॉजिटिव, इसलिए बड़े डिजिट की साइन पॉजिटिव, तो हमारा आंसर रहेगा ए स्क्वायर। क्लियर, आई बात समझ में स्टूडेंट? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या क्वेरी रहे तो बोल देना, ओके। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, ए रेस टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए रेस टू 15, क्लियर, डिवाइड ए रेस टू माइनस 6 रेस टू 4। सबसे पहले तो डिग्री एडजस्ट कर लो। रेडी, ए रेस टू 7, आप देख सकते हो ये डिवाइड, ये किस में है, डिवाइड में है, डिवाइड में, एटले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये डिवाइड में है, तो ए रेस टू माइनस 7 डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में ए रेस टू 15 हो जाएगा। रेडी, ये डिवाइड, ए रेस टू पहले डिग्री, 6 4 24, तो ए रेस टू 24 हो जाएगा। क्लियर, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव 24, इसमें कुछ को डाउट है देख सकते हो आप लोग, जो ए रेस टू माइनस 7 इज डिवाइड में, इसलिए ए रेस टू 15 को डिवाइड में लिख लिया, डिवाइड ए रेस टू माइनस 2। अब ये ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऊपर ले आओ, इसको अगर ऊपर ले आओ तो ये डिग्री पॉजिटिव है, अब कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, नेगेटिव, तो ए रेस टू माइनस 7 ये डिग्री पॉजिटिव थी, अब कैसी हो जाएगी, इसका बेस को कुछ चेंज नहीं होगी, सिर्फ डिग्री की साइन चेंज होगी, पॉजिटिव थी अब कैसी हो गई, नेगेटिव, और ये डिवाइड में है, तो इस डिवाइड में है, तो इसलिए किस यहाँ पर कैसे आएगा स्टूडेंट, बोलो बोलो इस कैसे आएगा, ए रेस टू 24 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, एक बार, ये एक बार लिखो, देख सकते हो आप लोग इन दोनों का बेस सेम है, कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, एक बार, तो ए एक बार लिख लिया, माइनस 7 माइनस 15 अपॉन ए रेस टू माइनस 24, क्लियर। अब माइनस 7 माइनस 12, तो ए रेस टू माइनस 22, ए रेस टू माइनस 24, क्लियर। अब देखो अभी सिंप्लीफाई करने के लिए ए को ऊपर ले जाना पड़ेगा, इस पूरी डिग्री को नेगेटिव, तो इसमें कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, ए रेस टू 24 पॉजिटिव, दोनों का बेस कैसा है स्टूडेंट, सेम है, कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक बार, तो यहाँ पर माइनस 22 प्लस 24, रेडी, यहाँ पर आप देख सकते हो ए रेस टू, और सभी के डिवाइड में ए स्क्वायर था, मैं एक लिखना भूल गया, यहाँ पर डिवाइड में ए स्क्वायर था, तो अभी तो सिंप्लीफाई अपॉन ए स्क्वायर था, क्लियर, तो सभी के अपॉन में ए स्क्वायर, यानी इसके भी डिनोमीटर में ए स्क्वायर आएगा, तो आप देख सकते हो ए रेस टू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर कट, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया हमने, क्लियर, आई बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले डिग्री का सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर 6 2 12 8 3 24 6 5 30, क्लियर, और 3 2 6 क्लियर, ये डिवाइड में है, ये समझ लेना, ये डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में, इसलिए इस तरह आ जाएगा, ए रेस टू 12 ए रेस टू 24, ये डिवाइड में है ना, तो इस बेस में आ जाएगा ना, ए रेस टू 6 इंटू ए रेस टू 30, क्लियर, तो इन दोनों का क्या हो गया स्टूडेंट, ए रेस टू 12 प्लस 36 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि दोनों बेस सेम है, कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक बार, और 24 और 12 का एडिशन करोगे तो 36 होगा, यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है, एक बार 30 प्लस 6 का एडिशन करो 36, क्योंकि आपको पता है ना दोनों का बेस सेम है, इसलिए कितने दोनों अपॉन न्यूमिनेटर में ए रेस टू 36 है, डिनोमिनेटर में ए रेस टू 36 है, दोनों का आंसर कैसा आएगा स्टूडेंट, 1, क्लियर, आई बात समझ में?
डाउट है किसी को? नहीं ना, वेरी गुड। चलो चलो, यहाँ पर भी ऐसे ही सिंपली भाई कुछ होगा स्टूडेंट। ए रेस टू माइनस थ्री, पहले तो इसकी डिग्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। 15 माइनस 15 डिग्री, 6 टू जाए माइनस 12, 6 वाई जाए 30 अपॉन ने स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर सभी का बेस सेम है, कितनी बार लिखना पड़ेगा? एक बार। और जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस 15 5 थ्री जाए माइनस 15 आएगा। रेडी? यहाँ पर माइनस 15 माइनस 12 प्लस 30, क्लियर? ये माइनस 15 माइनस 12 यानी माइनस 27 प्लस 30 होता है, डिफरेंस साइन है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा न्यूमिनेटर का। तो 30 में से 27 जाएगा 3 डिग्री पॉजिटिव, और अपन में ए स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। तो ए रेस टू 3 माइनस 2, ए रेस टू 3 माइनस 2 यानी ए रेस टू 1, क्लियर? ए रेस टू 1 यानी अवर आंसर इज ए। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखना पड़ेगा, डिग्री ऊपर जाएगी, तो इस तरीके से लिखोगे ना, ए रेस टू 3 इंटू ए रेस टू माइनस 2, दोनों का बेस सेम है इसलिए एक बार लिखा, और 3 में से माइनस 2 जाएगा तो ए 1, ए रेस टू 1 यानी 1, क्लियर? आई बात समझ में? रेडी स्टूडेंट? अब यहाँ पर देख सकते हो ए क्यूब माइनस बी रेस टू माइनस 2 माइनस 2 डिग्री, और सभी के माइनस 2 डिग्री है, ये ऑल ब्रैकेट पर ऊपर है, यानी कि इसको भी ये डिग्री ऐड होगी और ये माइनस 2 डिग्री इसको भी ऐड होगी। ओके, सेम कंडीशन है, 2 डिग्री इसको भी ऐड होगी, इसको भी, क्लियर? इस तरीके से होगा, तो ये माइनस 2 डिग्री इसको ऐड होगा, 3 टू जा 6, ए रेस टू माइनस 6, बी रेस टू माइनस 2 और माइनस 2 यानी 2 टू जा 4, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, क्लियर? मल्टीप्लाई एज इट इज, ये 2 डिग्री है इसको भी ऐड होगी और इसको भी, ये 4 टू जा 8 और बी स्क्वायर यानी 4, क्लियर? डिवाइडिंग ए स्क्वायर अपॉन बी रेस टू 8, ए स्क्वायर बी रेस टू 8, ए स्क्वायर बी रेस टू 8 को सिंप्लीफाई करना बाद में है। रेडी? तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये डिग्री इसको दे देते, ए रेस टू 6 बी रेस टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई, बी रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस, और ए रेस टू 4 टू जा 8 और बी रेस टू 4। अब देखो जो भी बेस सेम है उस सभी को अलग कर लेता हूँ, यहाँ पर बी है। रेडी? यहाँ पर बी है, तो जिस यहाँ पर देखो ए वाली टर्म, यहाँ पर ए वाली टर्म, तो दोनों का बेस सेम है इसलिए एक बार लिखा। यहाँ पर इसकी डिग्री माइनस 6 और इसकी डिग्री प्लस 8, माइनस 6 प्लस 8 यानी ए रेस टू 2, क्लियर? सेम कंडीशन, यहाँ पर बी वाली टर्म, यहाँ पर बी वाली टर्म, दोनों का बेस सेम है इसलिए एक बार लिखो, क्लियर? और यहाँ पर डिग्री 4 और यहाँ पर भी डिग्री 4, 4 प्लस 4 यानी स्टूडेंट 8, क्लियर? यहाँ पर डिवाइड में ए रेस टू 2 और बी रेस टू 8 है, क्लियर? आई बात समझ में? ए रेस टू 2 बी रेस टू 8 डिवाइडेड बाई, अगर इसको डिवाइड करोगे ए रेस टू 2 और बी रेस टू 8 डिवाइडेड बाई ए रेस टू 2 बी रेस टू 8, इसको ही डिवाइड करना है। सभी देख सकते हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है इसलिए पूरा कट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? 1। आई बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके, चलो अब इसका सिंपलीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले सेम कंडीशन, डिग्री एडजस्ट करो, ये डिग्री सभी को जानी चाहिए क्योंकि ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो 3 जुजा पहले ये डिग्री 3 को जाएगी, 3 को जाएगी यानी 3 का स्क्वायर, क्लियर? और x रेस टू माइनस 2 इसको भी जाएगी, तो 2 जुजा माइनस 4, तो x रेस टू माइनस 4 हो गया। अब ये 4 डिग्री सभी को जाएगी, 2 रेस टू 4 गई ना, ये डिग्री 4 है, इस 2 को जाइए 2 रेस टू 4, ये डिग्री 4 है, 3 को भी जाएगी, 4 3 जा 12, क्लियर? डिवाइड ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 4 टू जाए, क्लियर? ये 3 स्क्वायर x रेस टू माइनस 4, 2 रेस टू 4, x रेस टू 12, क्लियर? और ये डिवाइड में था, ये डिवाइड में, इसे नीचे लिखना पड़ेगा, ये पूरी टर्म डिवाइड में थी तो इसलिए नीचे लिख लिया, देखो, क्लियर? अब देखो कि जो भी कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कॉन्स्टेंट टर्म यानी विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल यानी x के अलावा जो भी टर्म है, यानी 3 स्क्वायर विदाउट x था, 2 रेस टू 4 विदाउट x था, और देखो x और x दोनों का बेस सेम है इसलिए एक बार लिखा, और डिग्री माइनस 4 और प्लस 12 का जो भी करता है वो कर लिया। रेडी? क्लियर? आई बात समझ में? ओके, गुड। माइनस 4 माइनस 12 करोगे, माइनस 4 प्लस 12 करोगे तो आंसर आएगा x रेस टू 8, 3 रेस स्क्वायर 2 रेस टू 4, x रेस टू 8, क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 6 को कैसे सिंप्लीफाई करो, 3
टू जा सिक्स, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, क्लियर। तो सिक्स का सिंप्लीफाई थ्री मल्टीप्लाई टू रेस टू स्क्वायर, यानी सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई थ्री टू जा सिक्स और फर्स्ट ये ट्रू है दोनों का दे दिया, क्लियर। एक्स रेस टू क्यू ऐसा किया क्योंकि ऊपर डिग्री एडजस्ट होती है इसलिए, रेडी। अब देखो यहाँ पर एक्स रेस टू एट डिवाइड में है, यहाँ पर भी माइनस फोर प्लस ट्वेल्व करोगे तो यहाँ पर भी एक्स रेस टू एट न्यूमिनेटर में हो जाएगी, डिनोमीटर में एक्स रेस टू एट दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ थ्री रेस टू स्क्वायर और यहाँ पर भी थ्री रेस टू स्क्वायर कट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा टू रेस टू फोर और टू रेस टू स्क्वायर, क्लियर। तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, टू रेस टू फोर माइनस टू आ जाएगा क्योंकि पता है ना आपको टू रेस टू टू ये ऊपर आ गया तो नेगेटिव टू हो गया, रेडी। ये टू रेस टू टू पॉजिटिव था, ऊपर गया तो नेगेटिव है, टू रेस टू फोर माइनस टू रेस टू टू, यानी दोनों का बेस सेम, एक वाली को फोर माइनस टू यानी फोर में से टू जाएगा टू रेस टू टू और टू का स्क्वायर स्टूडेंट फोर, क्लियर। डाउट है इसमें किसी को कुछ नहीं ना, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म होता है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 के बारे में। ओके चलो, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।